शक्ति जिले के ही माल खरोदा क्षेत्र में इन दिनों पानी का संकट गहराता जा रहा है। पानी की किल्लत के कारण किसानों के खेतों में लगे फसल खराब हो रहे हैं, जिस कारण किसान अब खेतों में लगे फसलों को मवेशियों के हवाले कर रहे हैं। बता दें कि किसानों को उम्मीद थी कि 1 मार्च तक नहरों में पानी आ जाएगा, लेकिन किसानों के उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि अब तक नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसके कारण किसानों के खेतों में लगे फसल खराब हो रहे हैं। माल खरोदा के एक किसान ने अपनी 4 एकड़ जमीन के में लगे फसल को मवेशियों के हवाले कर दिया और कहा कि जल्द से जल्द नहरों में पानी उपलब्ध नहीं कराई गई तो पूरे क्षेत्र में किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, जिसके लिए किसान ने प्रशासन से निवेदन किया है। कि साथ ही उन्होंने ये बताया कि किसानों को नहर के पानी की उम्मीद थी, लेकिन पानी नहीं मिलने से उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरा नाम है नवीन दिव्या, ग्राम पंचायत पेरिस से हूँ मैं। और मेरा समस्या यह है कि 1 तारीख को नहर में पानी आएगा बोल के बोल रहे थे, लेकिन आज 3 तारीख हो गया, अभी तक पानी नहीं आया है और मेरा खेत पूरा सूख गया है बिना पानी के कारण। आज इसीलिए मैं कि ये सब पशु लोग को छोड़ दिया हूँ खेत में चरने के लिए, और गांव का भी स्तर जल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, और खेत के साथ किसान के साथ साथ आम जनता भी पानी पीने के लिए आज बहुत तकलीफ में है। और शासन से मेरा निवेदन है कि नहर में कम से कम जल्दी से जल्दी पानी छोड़ा जाए, जिससे कि थोड़ा बहुत जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, नदी में भी पानी आएगा तो समस्या दूर होगा कुछ, तो किसान के साथ साथ आम जनता को भी पानी पीने में राहत मिलेगी। मैं अपना पूरा 5 एकड़ जमीन को आज छोड़ चुका हूँ, पशु लोग को दे दिया हूँ, पशु लोग जो है कि अपना चर रहे हैं यहाँ पास। और आसपास में कितने किसानों का ऐसे ही हालात? और देखिए कि हमारे आसपास में तो लगभग अब बहुत किसान छोड़ते जा रहे हैं अपना अपना ज़मीन को, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है और पीने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है पानी, तो खेत को कौन देखेगा अभी की स्थिति में। आदमी अपना जान बचाए, पीने के लिए कम से कम मिल जाए ऐसे बोल के सोच रहे हैं।